एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में भूमाफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भूमाफियों की दबंगई लगातार जारी है। ताजा मामला सुल्तानपुर स्थित नगर तिकोनिया पार्क से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने नाजुल नामक मुस्लिम व्यक्ति की जमीन पर पहले तो कब्जा कर लिया और उसके बाद जमीन पर अपना मॉल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि तिकोनिया पार्क स्थित सत्संग भवन में दशकों पुराना मौनी मंदिर है। उस मंदिर परिसर स्थित कई दुकानें और कमरे बने हुए हैं, जिसमें लोग वास करते हैं। जब मंदिर के ट्रस्ट द्वारा दुकानों का मूल्य आंकलन किया गया, तब सभी लोग मूल्य आंकलन जानकर हक्के बक्के रह गए। उसके बाद दबंगों ने उस मकान को खाली कराना मुनासिब समझा। फरवरी माह में दबंगों द्वारा दुकानों को जर्जर व रहने योग्य न बताते हुए मकान को जबरन खाली करवा दिया गया। इस बीच जो लोग मकान खाली नहीं कर रहे थे, तब उन्हें मकान में दोबारा रहने का आश्वासन देकर खाली करवाया गया। मकान खाली होते ही दबंगों ने मकान पर कब्जा कर लिया और मकान को ध्वस्त कराकर कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। ऐसे में मकानों में रह रहे स्थानीय लोगों द्वारा दबंगों को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन दबंग किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। तभी स्थानीय लोगों ने दबंगों द्वारा निर्माण कार्य को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर प्रयागराज हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी सुल्तानपुर को निर्माण कार्य रोकने और मामले से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में मौके पर दलबल के साथ पहुंचे एसडीएम रामजी लाल ने मौनी मंदिर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और दबंगों को दोबारा निर्माण कार्य न करने की सख्त हिदायत दी। बताया गया कि इसमें ना तो आपका नक्शा पास है और ना ही जो है सिविल कोर्ट से स्टे होने के कारण कोई निर्माण नहीं, फिर भी ये दुबके छिपके कभी कभी निर्माण करते रहे। कल एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में पड़ी है और PIL ने कहा है कि जिलाधिकारी इस प्रकरण को पूरी तरह से देखें कि क्या प्रकरण है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि तत्काल कोई भी अब काम नहीं होना चाहिए, काम को रुकवाएँ और हर एंगल से इसके फोटोग्राफ कराएँ, कितना निर्माण हो गया ये भी सूचना दें। सुल्तानपुर से नमन सत्य न्यूज़ के लिए लालजी की रिपोर्ट।